नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल JMD क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री। तो आप सभी व्यूवर्स का बहुत धन्यवाद जो भी हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं और जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे वीडियो को कवर किया है, पढ़ा है और बारीकियों से समझा है, और जिनको डाउट्स हुआ है वो अपने डाउट्स भी क्लियर किए हैं। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी तरीके की परेशानी हो तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें ताकि हम उसको समझकर और उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। हमारी इस तरीके की जो रेगुलर क्लासेस हमारे यहाँ पर दी जाती है मैथ्स में, अभी जो हमारा ज्योमेट्री का क्लास चल रहा है, तो उसमें आपको पेपर के लिए टू द पॉइंट पढ़ाया जाता है। देखिए ज्योमेट्री जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। होता क्या है कि इसमें इतना ज़्यादा थ्योरी होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि इसको स्कीप करने की सोचते हैं, लेकिन आपकी ये भूल है, आप इसको स्कीप ना करें, क्योंकि है तो ये थोड़ा सा टफ़, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरीज जो है, इसके जो फॉर्मूलाज हैं, थ्योरम्स बोलिए, जिसको हिंदी में परिमेय बोलते हैं, वो बहुत सारे हैं। तो हमें क्या करना होता है कि धीरे धीरे पहले उसको समझना होता है। जैसे यहाँ पर हम आपको बहुत ही बड़ी की चीज़ को समझाते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि उसको पॉइंट वाइज लिख लें और माइंड में स्टोर करें, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। दूसरी बात कि इसको पढ़ने के बाद ज्योमेट्री को आपका, मान के चलिए कि आपका आधा मैथ तो ख़त्म हो जाता है, तो मेनली ये जो ज्योमेट्री है वो पूछा जाता है आपको SSC के पेपर में। SSC से रिलेटेड आप जितने भी पेपर देते हैं, चाहे वो MTS का दे, CHSL का दे, CGL का दे, CPO का दे, उन सब में आपको ये पूछा जाता है। तो जो भी बच्चे नए हैं या जो बच्चे 10th या 12th करने के बाद सोच रहे हैं कि हम इस दिशा में आगे बढ़ें, तो उनके लिए हमारी ये क्लासेस बहुत हेल्पफुल है। आप इन चीज़ों को पढ़ें, समझें, और अगर आपको ये पूरा क्लास समझ में आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं, सारे आपको जो भी चीज़ें हैं पेपर में आने वाले क्वेश्चंस, एक एक करके सारी चीज़ें आपको बता दी जाती है, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें हमारे चैनल पर। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। अब तक हमने पहले कुछ क्लासेस किए हैं जिनमें हमने लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि रेखाएं और कोण, उनसे संबंधित कुछ परिमेय को भी देखा, थ्योरम्स को, और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी बनाए, तो काफ़ी बच्चों को वो पसंद आया, बच्चों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि जो वे ऑफ समझाने का जो तरीका है वो काफ़ी उनको पसंद आया, कि बहुत ही धीरे धीरे और बारीकी से हमें समझाया गया और सब कुछ समझ में आया। तो आपके अप्रिशिएशंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अब हम अपना आज का क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा, और अगर आप स्कीप करेंगे तो चीज़ें उतनी अच्छी तरीके से आपके माइंड में नहीं जाएगा। हो सके तो आप अपने पढ़ने के तरीके में थोड़ी चेंजेस लाइए, क्योंकि अब ज़्यादातर जो क्लासेस हैं वो आपको वीडियोज़ ही प्रोवाइड करते हैं, मैक्सिमम आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके का वातावरण हो गया है, जैसे कि अभी कोरोना का इन्फेक्शन चल रहा है, तो मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस जो है वो ऑफलाइन तो बंद ही कर दिया गवर्नमेंट ने, तो बच्चों का भी आना संभव नहीं होता। वैसे तो मैक्सिमम जगह गेट टुगेदर हो रहे लोग, और केसेस भी बढ़ रहे हैं, खास करके आप देख सकते हैं दिल्ली महाराष्ट्र में, तो इस हिसाब से आपको क्लासेस ऑफलाइन अभी ज़्यादा बेहतर है। और अभी रिसेंट में तो वैसे कोई एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन अनाउंसमेंट तो हो गया है डेट का, अब जब रिज़ल्ट अगर आता है CGL का तो पता चलेगा कि उसका मेंस का पेपर होगा कि नहीं। वैसे जिन बच्चों ने CGL 2019 का टायर वन का पेपर दिया है उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आपका भी नाम आए और आप मेंस में बैठे। देखिए पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में बैठने का एक अपना ही एक एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप सोचते हैं कि हम टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें और इस बार मेरी प्रिपरेशन नहीं है, हम फॉर्म नहीं भरते, हम अगले साल जो है वो प्रिपेयर होकर फॉर्म भरेंगे, ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि भले ही आपकी प्रिपरेशन अधूरी हो, आप पूरा एफर्ट जितना भी हो सके लगाएं फर्स्ट टाइम में और आप पेपर में अपीयर हो, तो आपको रियलाइज़ होगा कि इतने कम समय में पढ़कर आपने कितना अच्छा स्कोर किया, तो वो चीज़ आपको बहुत ही बेनिफिट देगी आपके नेक्स्ट टर्म के लिए। और एक चीज़ और, अगर आप SSC की तैयारी करते हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा डिले भी हो जाता है, थोड़ा का मतलब थोड़ा ज़्यादा डिले भी हो जाता है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर आपकी
ग्रेजुएशन हो गई है, तो आप ग्रेजुएशन के बाद आप खुद को थोड़ा समय दीजिए, थोड़ी हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, और जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको कंटिन्यूटी होना चाहिए कि हम अपना टाइम बर्बाद भी ना करें। जैसे अगर आप 2 साल देना चाहते हैं तो 2 साल आप पूरी मेहनत करें और जो भी आप सिलेबस पढ़ रहे हैं एक ही माइंड में सेट करें कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है ना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि बैंकिंग का भी पेपर देते हैं और एसएससी का भी पेपर देते हैं, तो वो हौच पौच हो जाएगा। इतने बहुत कम बच्चे होते हैं इतने इंटेलिजेंट जो दोनों पेपर को क्वालिफाई कर दे अभी के टाइम में, पास्ट का नहीं बात करी, और आप 5 ईयर्स पहले चले जाओ तो इट वॉज पॉसिबल, बट नाउ डेज वेन यू विल सी द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ द बोथ ऑफ द पेपर्स ऑफ PO एग्ज़ाम्स एंड ऑफ SSC लेवल्स एग्ज़ाम्स, देन द टू पेपर्स आर वेरी मच डिफरेंट, स्पेशली इन द सिलेबस ऑफ मैथ एंड द वे ऑफ आस्किंग इन इंग्लिश। इंग्लिश का जो सिलेबस है वो तो दोनों का कॉमन है, बट बिकॉज ग्रामर पोर्शन यू हैव टू गो थ्रू द ग्रामर एंड द एक्सेप्शंस केसेस, बट चलो आप इंग्लिश तो कवर भी कर लोगे प्रैक्टिस करके, क्योंकि दोनों कॉमन सिलेबस है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करने में टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वे ऑफ आस्किंग जो क्वेश्चन है वो थोड़ा पैटर्न अलग है। लेकिन जैसे ही आप मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, और कैलकुलेशन की अगर बात करें तो पहले तो बैंकिंग सेक्टर में कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते थे, लेकिन SSC में उतना कैलकुलेटिव नहीं आता था, लेकिन आफ्टर 16 फ्रॉम 2017 आपके क्वेश्चंस जो होते हैं मैथ्स के वो थोड़े कैलकुलेटिव भी हो जाते हैं जो अर्थमेटिक पोर्शन से होते हैं। इसीलिए आपको पहले डिसाइड करना चाहिए कि हम किस तरीके का कंपटीशन जो है वो परफॉर्म करना चाहते हैं, आइदर ऑन द बैंकिंग सेक्टर और CGL सेक्टर। चलिए, काफ़ी हमारी बातें लंबी हो गई, मैं टॉपिक पढ़ाती हूँ। इन सब बातों के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगी कि किस तरीके की गाइडेंस आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए होनी चाहिए और प्रॉपर वे में, ताकि वो आपको हेल्पफुल हो। तो सबसे पहले हम आज जो पढ़ने वाले हैं हम उस पर बात करते हैं, देखिए। और हाँ, अपने पढ़ाई के दौरान, अपने करियर के दौरान आपको अपनी एनर्जी लेवल जो है वो मेंटेन करके रखनी होती है। आप अपना पूरा एनर्जी अपने पढ़ाई पर दें, अपने प्राइमरी वर्क पर दें, और बाकी कामों पे एनर्जी को आप परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट कर दें, क्योंकि अगर आप पूरे स्टेमिना और एनर्जी के साथ नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ी मुश्किल ही है कि सिलेक्शन हो पाए, बिकॉज कॉम्पिटिशन आर बिकमिंग वेरी टफ नाउडेज, सो यू हैव टू मेंटेन योर एनर्जी फॉर योर प्रिपरेशन। लेट्स कम टू द टॉपिक, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में हम सबसे पहले, सबसे बेसिक तो हम पढ़ ही चुके हैं कि भाई ट्रायंगल्स के 3 साइड्स होते हैं। सबसे बेसिक यही है कि ट्रायंगल्स जो होता है उसमें 3 साइड होते हैं, साइड को हिंदी में भुजा कहते हैं, 3 वर्टिक्स, इस पॉइंट को वर्टिक्स बोलते हैं, यानी हिंदी में बोले तो शीर्ष बिंदु। तो इसके 3 साइड होते हैं, 3 कोण होते हैं, तीनों एंगल्स की बात करें तो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। कोई शक, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो हम बचपन से क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए, उसके बाद दूसरा हमने ये जाना था, सेकंड एक्सटीरियर एंगल के लिए भी हमने फॉर्मूला जान ही लिया था, बहुत बार हमने क्वेश्चंस में यूज़ किया है कि इंटीरियर जो एक्सटीरियर एंगल आप निकाल रहे हो उसके अंदर वाला जो इंटीरियर एंगल है उसके सम्मुख जो 2 कोण हैं उनके योग के बराबर आपका बाहर का कोण होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा बहुत ही बेसिक में जाना चाह रहे हैं भाई, कि आपको अगर आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी आपका फटाफट से रिवीजन हो जाए। देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले ये जानेंगे कि साइड के बेसिस पर जो है ट्रायंगल्स को 3 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला अगर मैं बात करूँ तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल को मैं थोड़ा लिख नहीं रही, आपको ये डिनोट करते हैं ट्रायंगल को इस तरीके से, ट्रायंगल। दूसरा आइसोसेलस ट्रायंगल, और तीसरा स्केलेन ट्रायंगल। हिंदी में अगर देखें तो इक्विलिब्रियम को बोलते हैं समबाहु, इसको द्विबाहु,
और इसको विषम बाहु, ठीक है ना, ये बाहुबली वाला बाहु नहीं है, ठीक है। ये बाहु का मतलब एक्चुअली मीनिंग तो वही है, भुजा, साइड, हिंदी में इस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस द्विबाहु, और इसको आप बोलते हैं विषम बाहु। तीनों में फर्क क्या है उस चीज़ को समझ ले। पहला फर्क ये है कि समबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, यानी अगर मैं इसको ए मानूं, इसको बी मानूं और इसको सी मानूं, तो ए बी सी तीनों की लेंथ क्या होगी, बराबर, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब भुजाएं बराबर होंगी तो इनके कोण भी बराबर होंगे, ठीक है ना। ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड्स बराबर, तीनों एंगल बराबर। देखिए आप इस ज्योमेट्री के सेशन को पूरा शुरू से अंत तक देखिए, मैं भले ही बहुत टाइम लगे, जितना भी लेक्चर देना पड़े, लेकिन मैं इसको पूरा कंटिन्यू करूँगी और आपको एक एक चीज़ पूरी बारीकी से समझाऊँगी, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। आइसोसेलेस की बात करें, आइसोसेलेस में आमने सामने आप दो भुजाएं बराबर होंगी, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, द्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। स्केलेन यानी विषम बाहु, जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं इसको ए, इसको बी, इसको सी लेंथ मान लूँ, तो मैं ऐसे समझा सकती हूँ आपको कि ए बी सी तीनों में से कोई भी आपस में बराबर नहीं है, यानी तीनों लेंथ अलग अलग वैल्यूज होंगी, जैसे 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, वैसे। तो ये तो साइड बेसिस पर आपका तीन हो गया टाइप ऑफ ट्रायंगल। दूसरा हम एंगल बेसिस पे ट्रायंगल पढ़ते हैं। तो देखिए अब हम एंगल बेसिस की बात करें। एंगल बेसिस पर बोला गया है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, एक्यूट एंगल। तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल, देख रहे हैं ना, हर नाम में एंगल एंगल आ रहा है, एंगल एंगल। क्या है इसका मतलब, अब थोड़ा हिंदी जान ले। राइट एंगल को बोलते हैं समकोण, समकोण, ठीक है। एक्यूट को बोलते हैं, एक्यूट को बोलते हैं आपको न्यून कोण बोलते हैं, एक्यूट को, एक्यूट को न्यून कोण बोलते हैं, और ऑब्ट्यूज को अधिक कोण बोलते हैं। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो अधिक कोण सम, 90 डिग्री होता है सम कोण, एक्यूट न्यून कोण, और ऑब्ट्यूज अधिक कोण। तो उस बेसिस पे ट्रायंगल्स को भी बांटा गया है। अब जैसे कि नाम से पता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें कि एक एंगल आपका 90 डिग्री हो। अब मान लीजिए हमने इस तरीके से मान लिया। अब देखिए थोड़ा सा इसके साइड के लेंथ के बारे में भी जानते चलेंगे हम। जैसे अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सपोज मैं इसको ए, इसको बी और इसको सी दे रही हूँ, ठीक है। नाम लेंथ वैल्यू जैसे 3, 4, 5 होता है ना, वैसे। तो इसके लिए क्या होता है, हमें पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा ये मैं इसलिए बता रही हूँ ना कि ए बी सी के रिलेशन से क्वेश्चन आता है, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तब वहाँ पर आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जब आपका समकोण होता है, तो इस त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री होता है और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसको बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय, ठीक है। चलिए हम आते हैं एक्यूट एंगल पर। एक्यूट एंगल का मतलब होता है वैसा ट्रायंगल जिसमें सारे के सारे कोण 90 से कम हो। जैसे अगर मैं ले लूं कि ये 60 हो, ये 90 या 90 से कम हो, तो खैर 90 ले लेंगे तो ये तो राइट हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे मैं आपको यहाँ पे 45 45 ले लेती हूँ, सपोज़ मैंने यहाँ पे 45 45 ले लिया, तो इस तरीके के ट्रायंगल जिसमें कि आपको तीन एंगल्स और तीनों एंगल्स आपके लेस देन 90 हो, वैसे ही ट्रायंगल्स को बोलते हैं एक्यूट एंगल।
अब थोड़ा सा इनके बीच आप रिलेशन को भी देख लें। अब जैसे मान लें कि यहाँ पर तीन साइड है ए बी सी, तो सपोज सी जो है वो ए और बी दोनों से बड़ा है, सी साइड जो है ए और बी दोनों से बड़ा है, तो यहाँ पर एक्यूट के लिए ये रिलेशन होता है कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा वो सी स्क्वायर से बड़ा होगा। अब क्यों जान रहे हैं हम इस चीज़ को, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें, ये तो एक्यूट था, अगर ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स का मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है वो मोर देन 90 होगा। जैसे अगर हम बात करें फिगर से समझने की, ये देखें मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया है जिसमें आपको ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये मोर देन 90 है, ठीक है ना। सपोज़ ये 120 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये मोर देन 90 होता है। तो इस तरीके के ट्रायंगल, अब जाहिर सी बात है अगर एक एंगल 90 से ज़्यादा होगा तो बाकी दो तो 90 से ज़्यादा हो नहीं सकता, कम ही होगा। तो ऑप्टिक्स एंगल में क्या होता है, एक एंगल आपका मोर देन 90 होता है। अब ये हो गया, तो ऐसे ट्रायंगल को ऑप्टिक्स एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब इसमें अगर मान लें कि ये ए है, ये बी है, ये सी है साइड लाइन, तो इसके लिए रिलेशन क्या होता है, ठीक इसका उल्टा। ये देखिए क्या लिखा हमने, हमने लिखा यहाँ पर ऑप्टिक्स के लिए कंडीशन यही है कि जो सी साइड है वो दोनों बाकी दोनों साइडों से बड़ा होना चाहिए। हमने यही कंडीशन लिखा कि सी जो है ए बी से अगर बड़ा है तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का सम करने पर भी वो सी स्क्वायर से छोटा ही रहेगा। ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि ये जो है वो पेपर में पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि भाई बताइए ऑप्टिक्स एंगल ट्रायंगल के लिए इसमें से कौन सा कंडीशन है। चार ऑप्शन दिए रहेंगे तो ये ऑप्शन आप टिक करेंगे। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए कंडीशन पूछता है तो आप ये बताएंगे, उसमें ये आप टिक करेंगे, ठीक है। तो ये तो था एंगल बेसिस पर ट्रायंगल्स का विभाजन। अब हम टाइप ऑफ ट्रायंगल्स के बाद कुछ और थोड़ा बेसिक जान लें। देखिए मीडियन, मीडियन क्या होता है, मीडियन को हिंदी में बोलते हैं माध्यिका, माध्यिका। समझने की कोशिश करेंगे इसको, ये एक टर्म है। इस टर्म का मतलब क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है तो वहाँ पर हमने अगर वर्टेक्स ए से एक ऐसी लाइन खींची जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे, ठीक है ना। यानी आप इससे ये भी समझ सकते हैं कि डी पॉइंट कैसा पॉइंट होगा, बीसी का मध्य बिंदु यानी मिडिल पॉइंट, तब ये एडी जो है वो कहलाएगा मीडियन। सिंपल, मीडियन क्या होता है, मीडियन की भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे एक साथ, अभी हम फिलहाल कुछ टर्म्स को जान रहे हैं। मीडियंस के आगे आपको ये जानना है कि जब दो मीडियंस एक दूसरे को कट करते हैं, या तीनों को कट करवा दीजिए, यहाँ पे मैंने तीनों वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ कर दिया, तो ये सामने वाली भुजा को तो दो बराबर भागों में बांटेंगे ही, साथ ही साथ जिस पॉइंट पर ये मिलते हैं, सपोज मैंने इसको जी से डिनोट किया, ये कहलाता है आपका पॉइंट जी जो है सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो ये हो जाएगा केंद्रक, ठीक है। ज़्यादातर ये जी से ही डिनोट होता है फिगर में, कंपलसरी नहीं है कि हम इसको जी से ही डिनोट करेंगे, आप जी लिख सकते हैं। मैक्सिमम जगह आपको बुक्स में, क्वेश्चंस में, पेपर्स में सेंट्रॉयड केंद्रक को जी डिनोट किया रहता है। ये होता है सेंट्रॉयड, जहाँ पर ट्रायंगल्स के तीनों मीडियंस आकर मिलते हैं उस कॉमन पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉयड। अभी थोड़ा सा एक चीज़ और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो सेंट्रॉयड है वो इस एडी को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन में इसका यूज़ होता है मैक्सिमम जगह।
मीडियन से क्वेश्चन बहुत आते हैं, मीडियन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मीडियंस के सारे प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखने हैं, इसीलिए जो सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बार बार यूज़ होने वाला है वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। इसको फर्स्ट टाइम अभी मीडियन हमने शुरू किया है, तो जो इसका सेंट्रॉयड होता है मीडियन का, वो पॉइंट जहाँ सारे मीडियन मिलते हैं ट्रायंगल के, उसको बोलते हैं सेंट्रॉयड। वो इसको 2:1 में डिवाइड करता है। अब हम जाने थोड़ा सा ट्रायंगल में एल्टीट्यूड के बारे में। ये तो था सेंट्रॉयड। एल्टीट्यूड क्या होता है? अब देखें मीडियन और एल्टीट्यूड में क्या फ़र्क होता है, ये अभी हमने पढ़ा था। मीडियन, मीडियन और एल्टीट्यूड में क्या फ़र्क है? अब इस ट्रायंगल का अगर हम एल्टीट्यूड बताना चाहते हैं, तो जब हम वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये देखें मैंने क्या डाला, ये सिंबल ही होता है 90 डिग्री का, यानी परपेंडिकुलर। वैसे ही अगर मैंने बाकी के बाकी की साइड से भी अगर मैंने ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा सीधा नहीं है, आप फिगर एडजस्ट कर लेंगे, बनाने का मतलब है ये सीधा परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर मैं इसको नाम दे दूं डी ई एफ, मीडियंस क्या था, वो अपोजिट साइड्स को दो इक्वल पार्ट में बांटता है, यानी कि अपोजिट साइड पे जाने पर वो मिडिल पॉइंट बन जाता है उस साइड का। लेकिन एल्टीट्यूड क्या है? एल्टीट्यूड हिंदी में इसको बोलते हैं शीर्ष लंब, शीर्ष लंब। लंब वर्ड जो है ये परपेंडिकुलर के लिए यूज होता है, और जब हम उसके वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल के, तो हो जाता है वो शीर्ष लंब। चलिए देखिए, तब तक समझ गए होंगे आप कि मीडियंस में और एल्टीट्यूड में क्या फर्क है, और ये भी जान ले कि ये एल्टीट्यूड जहाँ मिलता है उसको, उस पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। हिंदी में इसको बोलते हैं लंब केंद्र, यानी कि तीनों लंब जहाँ पर मिली उसका केंद्र, लंब केंद्र, ठीक है। और वहाँ पर जो आपका मीडियंस जहाँ मिलता है उसको बोलते हैं सेंट्रॉयड, यानी कि केंद्रक। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है शब्दों में, वो आप ध्यान रखेंगे। तो एल्टीट्यूड का मतलब है कि जब भी हम वर्टेक्स से उसके साइड पर परपेंडिकुलर डालेंगे, उन परपेंडिकुलर्स जब वो मतलब अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर्स ही होंगे, 90 डिग्री ही बनाएंगे, वैसे लाइंस को हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। और जब ये ट्रायंगल के अंदर ये लाइंस मिलती हैं तो उनको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो जो ये ऑर्थो सेंटर है और सेंट्रॉयड है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हम एक अलग से एक क्लास देखेंगे, जिसमें इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम अच्छे से समझेंगे, और प्रॉपर्टी समझने के बाद क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होता है उसको हम वहाँ पर देखेंगे। तो ये कुछ हमने ट्रायंगल्स के टर्म्स पढ़े हैं। अभी भी ट्रायंगल्स का थ्योरी जो है वो अधूरा है, क्योंकि इसके बाद हम जानेंगे कि ट्रायंगल्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। बहुत ही बारीकियां हैं जो पेपर में डायरेक्ट थ्योरी ही पूछा जाता है, क्वेश्चंस पे तो इम्प्लीमेंट होता ही है, लेकिन वो थ्योरीज भी एज अ ऑप्शन आपसे पूछ दिया जाता है कि क्या वो थ्योरी आपको मालूम है कि नहीं। तो कुछ और भी ट्रायंगल्स के बेसिक हैं जो अभी हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो ट्रायंगल्स में मेन चीज़ें आती हैं वो आती हैं कि कंग्रुएंट ट्रायंगल्स एंड सिमिलर ट्रायंगल्स। तो जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ही थोड़ा सा ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिमिलर ट्रायंगल्स, और क्योंकि उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, वेरिएशन बहुत है क्वेश्चन में। कंग्रुएंट जो है वो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा है, उसका फॉर्मूला भी कम है। तो ये सारी चीज़ें हम अगले क्लास में ट्रायंगल का पढ़ेंगे। इस क्लास को हम ट्रायंगल को फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और वहाँ पर हम जानेंगे कि ट्रायंगल्स की थ्योरम्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी बारीकियाँ हैं जो हमें जानना ज़रूरी है, जिसके बिना हम ट्रायंगल्स के क्वेश्चन पे आगे नहीं बढ़ सकते। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको ट्रायंगल का जो बेसिक क्वेश्चन थ्योरम्स होता है वो आपको जानने को मिला होगा।
अगर आप पहले से भी जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो आपको ये आज सीखने को मिला होगा और काफ़ी सही तरीके से आप चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगी आपके माइंड में कि ये टाइप्स ऑफ ये होता है, ये होता है, फिर उसके बाद एंगल बेसिस पर, साइड बेसिस पर, और फिर ये आपको आगे के थ्योरम्स में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इसी के साथ हम आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास तक, थैंक यू।